सबको शस्त्र बनाकर खूनी संघर्ष को बढ़ावा देना आज भारतीय राजनीति में आम हो चुका है। सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और चुनावों से पूर्व हुई विभत्स घटनाओं ने मानवता को शर्मसार किया था। टीएमसी गुंडों की हिंसा के मायाजाल में भाजपा कार्यकर्ता से लेकर आम आदमी फंसे जा रहे थे। अब ऐसा ही हाल महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ महा विकास अघाड़ी की तीन पहियों वाली सरकार की नीति अपने विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बदली की राजनीति के लिए निपटाना है। पहले बंगाल, अब महाराष्ट्र, दोनों गैर भाजपा शासित राज्यों में आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को गहरी क्षति और प्राण हानि तक हो रही है। इस पूरे प्रकरण में पीएम मोदी और केंद्र भाजपा नेतृत्व की मंशा और लेश मात्र भी जवाबदेही कार्रवाई ना किए जाने पर अब प्रश्नों का अंबार छा गया है। यह ना सिर्फ कैडर के लिए घातक सिद्ध हो रहा है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत छवि को भी गहरा धक्का लगा है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी के नेताओं पर हो रहे हमले पर केंद्र की चुप्पी पीएम मोदी की मजबूत छवि के लिए घातक है। दरअसल इसी वर्ष पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे और 2 मई को उसके परिणाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पक्ष में आए और TMC ने पुनः सत्ता भी प्राप्त कर ली थी। इसी चुनाव में बीजेपी ने TMC और ममता के विरुद्ध बंगाल में हुई हिंसा और विशेषकर अपने कार्यकर्ताओं की जघन्य हत्याओं को लेकर बड़ा हथियार बनाया था। शायद इसी का परिणाम भी था कि बीजेपी ने 3 सीटों से अपनी संख्या 77 तक पहुंचा दी थी। अब जब बीजेपी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो TMC के पर और खुल गए। उसने अपने खूनी खेल का परिचय देते हुए राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला होते हुए उनकी नृशंस हत्या की थी और उनके परिवार में भी TMC को नहीं छोड़ा। TMC कार्यकर्ताओं ने जहां भाजपा का झंडा दिखा उस घर को भी जलाना शुरू कर दिया था, मानो बंगाल में ममता राज में इमरजेंसी का द्वितीय काल चल रहा हो। हालांकि TMC पहले ही संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करती रहती थी, लेकिन 2 मई के बाद यह दोगुने स्तर पर किया जाने लगा था। बावजूद इसके केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कार्रवाई तो छोड़िए बयान तक नहीं दिए गए। हालांकि इन सभी हत्याओं पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने निंदा अवश्य की तथा पीड़ित परिवारजनों के पास जाकर उन्हें ढांढस भी बंधाया, परंतु इससे क्या हमले रुक गए? नहीं रुके। ऐसा ही रंग महाराष्ट्र में भी आए दिन देखने को मिल रहा है, जहां शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है तथा तोड़फोड़ कर रही है। बीच सड़क पर शिवसेना कार्यकर्ता अब भाजपा कार्यकर्ताओं से भिड़ते और गुंडे करते हुए मारपीट करने की आदि हो चुके हैं। हाल ही में शिवसेना और विशेषकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शह पर केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे पर गिरफ्तारी कर शिवसेना ने सारी सीमाओं को ही लांघ दिया। उनके घर पर ईंट पत्थर से हमले किए गए तथा इसी क्रम में भाजपा नेताओं को पीटा भी गया। एक विवादास्पद टिप्पणी को लेकर मंगलवार को राणे को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें उन्होंने उद्धव को थप्पड़ मारने तक की बात कही। राजनीति में ऐसे ही बयानों के लिए विख्यात शिवसेना आज राणे को दोषी ठहराते नहीं थक रही है। इन सभी घटनाक्रमों पर केंद्र सरकार और बीजेपी नेतृत्व की चुप्पी कार्यकर्ताओं को हताश कर रही है, क्योंकि चाहे बंगाल हो या महाराष्ट्र, TMC और शिवसेना का सामना जमीनी स्तर पर इन्हीं कार्यकर्ताओं ने किया था। इस बार इन सभी बातों पर पीएम मोदी का मौन रवैया बेहद आश्चर्यजनक है। महाराष्ट्र में केंद्र मंत्री पर हमलावर होते हुए उनकी गिरफ्तारी न केवल भाजपा और सरकार के सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह है बल्कि उससे बढ़कर घनघोर अपमान भी है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बेहद कड़े अंदाज में ममता को दीदी ओ दीदी करके लताड़ा था। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए गए थे। राज्य भर में अनगिनत मारकाट की घटनाओं ने देश के अंदर भय प्रसारित कर दिया था। अब भी पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार ने आशान्वित सभी कार्यकर्ता यही सोच रहे हैं कि शीघ्र ही केंद्र सरकार उनका हाथ थामेगी, परंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। जिस लाचारी और कुशासन का दौर बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता पश्चिम बंगाल में अनुभव कर रहे हैं, अब वही हाल महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। केरल में तो पूछना ही नहीं है कि कितने कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए। उससे जमीनी कार्यकर्ताओं के मन में मोदी सरकार और बीजेपी नेतृत्व के प्रति शंकाएं उत्पन्न होती जा रही हैं, और यदि बीजेपी या मोदी सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाती है तो वो दिन अब दूर नहीं जब यह सभी कार्यकर्ता मन हार कर टूट जाएं। यह ना सिर्फ बीजेपी के लिए घातक होगा बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की एक मजबूत नेता की छवि को भी भयंकर झटका लगेगा। हालांकि अब भी देर नहीं हुई है और केंद्र सरकार को इस तरह से बढ़ती हिंसक राजनीति को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे।